अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आपको सेहत व सलामत रखे। वेलकम बैक अगेन चैनल। जो चैनल पे नए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, शुक्रिया। मुझे आज थोड़ी सी सेटिंग करने हेयर को और बियर्ड को, तो करता हूँ आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पर स्टार्ट। लेट्स गो। गाइस फाइनली हमने जो कि हेयर कट भी किया, अब हमको जाना है कहीं घूमने के लिए। अभी पता नहीं कहाँ जाना है। मेरे साथ है आकिब और ओएस, वो आगे मेरा वेट कर रहा है। तो आज धूप भी बहुत तेज है। फाइनली गाइस हम घर से निकल गए और ओएस भाई अभी आ गया। आप देख सकते हो आबिद भाई भी पीछे है। पहुंच गए हम नौगाम रजा के मस्जिद के पास। आप देख सकते हो यहाँ की जमिया मस्जिद है। आप देख सकते हो इसमें जो कि लेते हैं स्कूल में, जो आपको अभी नजर आया होगा। आप खूबसूरती जान के लिए यहाँ के भाई अभी भी हम चल रहे हैं। हम नजदीक है जीवन के बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। हर बरसात में पी लेने दो। तो गाइस अभी भी हम चल रहे हैं, हमको जाना है सूरजपाल। पहली बार हमको वहां पर जाना है। तो आप व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है। मेरे साथ ओएस भाई जो इस बाइक चला रहा है। इसके नजदीक आप देख सकते हो जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे इको पार्क है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको इको पार्क दिखाई थी, भी आप इको पार्क देख सकते हो। वहाँ हमको जाना है अभी, बाइक वहाँ हमको वहाँ रखनी है। तो वहाँ से हमको बराबर आधा घंटा लगेगा पैदल जाना है वहाँ पे। अभी हम जो कि हमारे साथ दोस्त साथी है और अभी दो आके उनका हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे हाईवे पे। ये ओएस भाई है, देख सकते हो भाई खूबसूरती बारामूला की आप। तो गाइस आज मौसम भी अच्छा है मगर गर्मी बहुत है। सब हाईवे पे हूँ। देखो भाई कितने कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं यहाँ आपको नजर आएंगे। देखो गाइस हमने बहुत सारे जो कि ड्यू पानी और लेज लिया यहाँ पे इस दुकान से। अब यहाँ से आधा घंटा लगेगा अभी तक। देखो गाइस अब हमको यहाँ से पैदल जाना है, देख सकते हो भाई। आप देख सकते हो कितने कितने बड़े स्टोन्स हैं यहाँ से, सिर्फ आपको कीपर्स नजर आएंगे। देख सकते हो भाई रोड कितना डेंजरस है यहाँ से। थोड़ा सा नाला नीचे है। तो गाइज हम चल पड़े अब मंजिल की तरफ। यहाँ से बहुत सारा अभी चलना है हमको। सकते हो भाई यहाँ से डेंजरस माउंटेन, यहाँ से हमको ऊपर जाना है। देख सकते हो भाई कितना छोटा रास्ता है। यहाँ से आपको पूरा बारामूला नहीं नजर आएगा, आधा ही आएगा नजर। वो भी चल रहे हैं हम, बहुत थक गए, बहुत थक गए अल्लाह के, बहुत ऊपर आ गए हम। और धूप भी बहुत तेज है आज, इसकी वजह से जो कि टांगों ने हार मान दी। यहाँ से आपको पूरा बारामूला नजर आएगा,
बहुत थक गए गाइस, वाम को पहुंचना है। आप देख सकते हो, जूम करने की कोशिश करूंगा मैं। देखो भाई, भाई पानी पी रहा है। तो गाइस अभी भी हम चल रहे हैं, सांसें रुक गई, बहुत थक गए हम। वो देख सकते हो आप, तूतपाल जिसको बोलते हैं, जो आपको नजर आएगा। एक घंटा हो गया हमको चलते चलते, फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। आप देख सकते हो कहाँ पर है, और ऊपर आप नज़र मारिए हम कहाँ से पैदल आए, जहाँ से आपको बस्ती नज़र आएगी वहीं से हम पैदल आए। देख सकते हो आप भाई, फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ पर हमने सोचा पहले हम रेस्ट करेंगे 8-10 मिनट। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये कश्मीरी बड़ होना शोटल। आप देख सकते हो भाई, ये बाग गई। तो फाइनली हम पहुंच गए दूधफल, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है। यहाँ से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ से आपको सारा बारामूला नजर आएगा। यहाँ से लगते हैं बारामूला से यहाँ से पैदल आना पड़ता है, 1 घंटा लगेगा। और यहाँ से सब सामान जो कि नीचे ही लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई दुकान नहीं अवेलेबल है, ना यहाँ से कोई, ना यहाँ पर कोई पानी अवेलेबल है। यहाँ से प्लीज़ आप जो जो आपको थिंग मिलेगी नीचे, वो प्लीज़ यहाँ पर लाइए आप। और यहाँ की खूबसूरती बहुत आपको पसंद आएगी और दिल भी लेगी, प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। गाइस यहाँ से हम अब निकले, यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये रहे हमारे दो पार्टनर वेस और आबिद भाई। देखो भाई, यहाँ से आपको पूरा जो कि बारामूला नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा ही नज़र आएगा, क्योंकि बारामूला बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आप देख सकते हो खूबसूरती, यहाँ के बड़े बड़े माउंटेन्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ से देख सकते हो आप वो स्टोन कहाँ पर है। इसको बोलते हैं ऑफ रोड, हम ऑफ रोडिंग इसको कहते हैं, ट्रैकिंग। पैदल हम चढ़ गए, हम नीचे से 1 घंटा लग गया, और बहुत प्यास भी लगती है यहाँ से जब बारामूला से नीचे ऊपर जाते हैं। यहाँ से कोई सामान जो कि ऊपर नहीं है अवेलेबल है, जो दुकान है एक नीचे वहीं पर, जो आपको ज़रूरत पड़ेगा ऊपर। तो गाइस अभी भी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, अभी लगेंगे यहाँ से 10 मिनट अभी नीचे तक। बहुत थक गए हमने वहाँ पे रेस्ट किया। आप देख सकते हो मेरे साथी जो कि नीचे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमने ड्यू व्यू पिए, जो हमारे साथ है ये देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे भी बड़ा स्लाइड आया, से लैंड स्लाइड। अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ चलेंगे 2-3 मिनट, जहाँ पर हमने बाइक्स रखे हैं नीचे। यहाँ से खतरनाक जो कि रास्ता है, देख सकते हो आप भाई, मेरे टांगों में वाइब्रेशन हो रही है इस टाइम। देख सकते हो नीचे, देख सकते हो भाई कितने कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं यहाँ पे। फाइनली हम बाइक के नजदीक पहुंच गए, और ये रही एक बाइक, आबिद भाई की बाइक, और जो दूसरी बाइक है वो नीचे है। तो यहाँ पर बड़े बड़े फोक लैंड्स है, क्योंकि ये स्टोन्स निकालते हैं माउंटेन में। आप देख यहाँ पर कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, मेरे पीछे आपको नजर आएगा। बहुत थक गए हम,
यहाँ से निकल गए और बहुत थक गए। देखो भाई पसीना कितना आ गया। आप देख सकते हो बारामूला की खूबसूरती, यहाँ से आपको बड़े बड़े माउंटेन नजर आएंगे और यहाँ की खूबसूरती आपको दिल ही लेगी। देख सकते हो खूबसूरती यहाँ की, इस वक्त हम लाइट ओर से गुजर रहे हैं चंदूसा की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ से कितना जो कि लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा जो कि रोड ये खस्ता हो गया, आप देख सकते हो यहाँ। शुक्र अल्लाह का सही सलामत घर वापस पहुंच गए। हम थे आज बारामूला में, जो आपने देखा होगा व्लॉग में, तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही इंजॉय किया वहां पर। मगर ये भी ये मसला था क्योंकि धूप बहुत तेज था आज, और उसकी वजह से जो कि सारा जिस्म पसीना से भरा था, और हमने पहले नहाया और कपड़े भी चेंज किए। तो अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया तो शेयर लाइक करना भूले। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।